तो हेलो गाइस यार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह की 7:30 और गाइस आज है यार सोमवार, जो कि है आज के दिन रहता है बेलपान का मार्केट। और अभी 7:30 बज है यार, रेडी हो रहे तखतपुर सब्जी मंडी जाने के लिए और अपना सामान वामान पैक करते हैं। अभी तो मैं ऊपर में बैठा हूँ लेंटर ऊपर, और फिर सामान पैक करेंगे, फिर सीधा चलेंगे सब्जी खरीदने के लिए और देखेंगे कि आज सब्जी क्या क्या रेट रहता है। और आज की मौसम की बात करें गाइस, देख सकते हैं यार मस्त है मौसम, मतलब धूप नहीं निकला है देखो। और ये देखो हमारा घर ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, पूरा इस साइड टूटा फूटा दिख रहा होगा, इस साइड अभी बना बुनाया दिख रहा है, उधर अभी बन रहा है। और वो देखो कायल माला गूथ रही है मोंगरा फूल का, एकदम ब्लर सा दिख रहा है यार, दिख भी नहीं रहा अच्छे तरीके से, फूल तोड़ तोड़ के माला गूथ रही है। और ये देखो गाइस ऊपर से हमारा गाँव कुछ ऐसा दिखता है यार, ये देख सकते हैं अपना गाड़ी इधर खड़ा हुआ है ना, और वो देखिए स्कूल वगैरह है हमारे गांव में जस्ट घर के आगे में। ये देख सकते हैं अपना नया घर जो बन रहा है ना, ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो इधर है अपना गली, और ये देखो सब्जी बेचने वाला, दूध वाला, सब मिल जाएगा यार। ये हमारा गाँव का नज़ारा सुंदर सा देख सकते हैं। और ये रहा अपना पीपल का पेड़, जो कि यार इस साइड से कट गया है, घर बनवा रहे थे तो इधर को छोड़ दिया, इधर को नहीं काटेंगे, इधर से तो एकदम और गड्ढा दिखता है हमारा घर जो है। और देखो बहुत ही ज़्यादा एकदम खाई जैसा दिख रहा है ऊपर से, तो इस साइड भी देख सकते हैं पूरा। तो गाइस अभी तखतपुर जाने के लिए निकल चुके हैं, तो सीधा चलते हैं तखतपुर। ये देखो गाइस जस्ट बाजार के सामने में, और आज मार्केट जो है यार बाजार यहाँ पर नहीं लगेगा, पूरा कीचड़ है तो वहाँ पर लगेगा कुंड के पास में। मस्त यार बड़ा बड़ा ऊँट है, कभी कभार देखने को मिलता है साल में एक बार हमारे गांव साइड। देखो बहुत चलते हैं यार ये महिला लोग है जो बच्चे को बैठा रहे हैं और छोटा वाला बकरी को भी ऊपर में। ये बुजुर्ग हो गई महिला जो है, अब कितना चलती है, बहुत दो ऊँट और है, इसमें भी दो बच्चे बैठे हैं मस्त झूल के मजा ले रहे हैं, झूलना जैसे होता है। इस समय सबसे पहले हम लोग ही आते हैं, देख सकते हैं उधर मोटरसाइकिल खड़ा, लेकिन इस साइड एक गाड़ी खड़ा है और अपना जगह यहीं पर है, खाली भी है। तो गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, अब चलो देखते हैं क्या क्या सब्जी लेके आता है छोटू जो है और क्या क्या रेट में। तो गाइस यार हमने सबसे पहले कटहर और कद्दू शुरुआत किया है, जो कि मार्केट का सबसे सस्ता सब्जी अभी वही है यार, कटहर और कद्दू। ये देखो गाइस अपना कद्दू देख सकते हैं, कद्दू कितना किलो है पता नहीं, लेकिन रेट 14 रुपए किलो खरीदी का देख सकते हैं, छोटा छोटा साइज है मस्त है। और ये रहा अपना कटहर 7 रुपए किलो वाला, देख सकते हैं एक क्रेट है, इसका भी वजन पता नहीं है कितना किलो है वो भी। तो गाइस यार चरपनिया भाजी भी ले लिए हैं, ये देख सकते हैं गाइस अपना चरपनिया भाजी, जो कि यार 32 रुपए खरीदी का है और 20 किलो है, देख सकते हैं क्वालिटी मस्त है यार, भाजी जो है 20 किलो लिया है। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने भिंडी भी खरीद लिया है 19 रुपए किलो में, 36 किलो क्वालिटी देख ही सकते हैं, भिंडी बहुत बड़ा बड़ा है यार, देखो एक बित्ता से भी ज़्यादा है और क्वालिटी तो मस्त। तो गाइस यार ये देख सकते हैं हमने खरीदा है ये 2 बोरी में आधा है ना, वो 35 किलो बैंगन है, जो कि यार 30 रुपए किलो में खरीदा है। और ये देखो पत्ता गोभी भी है, पत्ता गोभी खरीदा है 70 रुपए किलो में, जो कि यार ये कम से कम 60 किलो होगा पत्ता गोभी जो है। और परवल भी खरीदा है 1 बोरी 27 रुपए किलो में, ये देखो पूरा पैक है यार, इसमें है यार कोचाई इस बोरी में, इसका भी रेट 31 रुपए खरीदी का यार कोचाई जो है, पूरा ये सब सब्जी को कमीशन से खरीदा हुआ है और पूरा पैक है बोरी मन में। तो फाइनली गाइस यार जितना भी सब्जी लेना था ले लिया है, आलू टमाटर प्याज और लिया है, उसको नहीं दिखाया हूँ, उसको यार बाजार में ही चल के दिखाऊंगा, अभी तो सीधा चलते हैं घर। चुके हैं बेलपान के बाजार और आज जगह चेंज हो गए हैं, दूसरे जगह पे लग रहा है कुंड के पास, तो चलो अपना दुकान लगा लेते हैं। ये रहा गाइस अपना 850 रुपए वाला क्रेट टमाटर, देख सकते हैं ठीक ठाक है टमाटर जो है, देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये वाला अच्छा है मीडियम साइज का। और ये टमाटर दूसरा है जिसको हम कुंदरू टमाटर बोलते हैं। ये देखो गाइस हमने यार पैकेट बनाना चालू कर दिया है 200 ग्राम का 10-10 रुपए का, ये देख सकते हैं पूरा 20 किलो भाजी है ये भाजी जो है। और अपने पास वो देखो पूरा दुकान लग गया है, पूरा 40 रुपए किलो वाला
आइटम लगा है। भिंडी बस 30 रुपए किलो है यहाँ पर, उसके बाद पूरा प्याज से लेकर बैगन तक पूरा 40 रुपए किलो। गाइस यार अपना दुकान लग रेडी हो चुका है और मेरे पास यार मात्र दो आइटम है, कद्दू और चरपनिया। तो गाइस ये देख सकते हैं कद्दू दे रहा हूँ 20 रुपए किलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 किलो मतलब कद्दू है मेरे पास। और भाजी को आधा बांध लिया हूँ देख सकते हैं, और ये देखो आधा भाजी अभी अपना बचा हुआ है। 10-10 रुपए पैकेट का दे रहा हूँ, 10 रुपए पैकेट भाई, 10 रुपए पैकेट यार। ले रे दो पैकेट ले लेते यार। हाँ ले लेने यार, आज मेरे भाजी का पैकेट बनाने तक यार पूरा बाजार लग गया था, देखो ना पूरा बाजार लग गया है। और ठीक ठाक बिक रहे यार भाजी जो है देख सकते हैं, और कैमरा स्टैंड अपना लगाते नहीं बन रहा है, ये देखो रखा हुआ है जो चार है। 10 रुपए पैकेट भाजी, 10 रुपए पैकेट मात्र 10, कोई सही पैकेट रख ले। जितने हो जाए 20 के लिए दो पैकेट, 10 के लिए एक पैकेट। यार देख सकते हैं मेरे पास 3 किलो कद्दू बस बचा है, भाजी तो कब बिक चुका था यार। अपना कैमरा सेटअप वहाँ दुकान के पास लगा दिया था, और अभी वहाँ पर भीड़ ही लगा है देख सकते हैं, और वहाँ पर भी बाबू के पास में, और पूरा सब्जी को रेट बता नहीं पाया था, पूरा मार्केट लग गया था, बाजार जो है भीड़ लग गया था। और ये मेरे पास 3 किलो बस बचा है, और ख़त्म होते जाता था वहाँ से, और लेके आते जाता था छोटू के पास से, काट काट के देते जाता था। तो
और भाजी पूरा क्लियर। टमाटर कितना किलो? 80 रुपए किलो। गाइस एक क्रेट टमाटर बचा था उसको 80 रुपए किलो कर दिया, मखना 20 रुपए किलो। एक एक चाने ले जाए 20 रुपए, कोई से भी रख ले, वो बस आधा किलो है 1 किलो है। चलो 1.5 किलो और बचा। हाँ 1.5 किलो पिक के मतलब 1 किलो बचा। भैया 1 किलो बच गया मखना कद्दू कोहड़ा वाले, 20 में मिलेगा, 20 में मात्र 1 किलो बचा है। तो फाइनली गाइस यार मार्केट पूरा खाली हो चुका है और अपना सब्जी भी मस्त भी है, थोड़ा थोड़ा सा भी बचा है और पूरा खाली हो चुका है, सभी लोग चले गए, मात्र हम लोग ही बचे हैं, पूरा आखिरी करके हम लोग ही जाते हैं। ये देखो गाइस इस साइड के पूरा सभी लोग चले गए हैं, यहाँ पर भी पूरा सभी लोग उठा लिए, देखो इस साइड भी पूरा खाली हो चुका है। ये देखो इधर देख सकते हैं अपना पत्ता गोभी थोड़ा ज़्यादा से बचा हुआ है यार, और बाकी सब्जी तो थोड़ा थोड़ा ही है, उठाने के बाद पूरा दिखाता हूँ क्या क्या बचा है, कितना कितना है उसको। और ये देखो मस्त पत्ता गोभी का पत्ता खा रहा है गाय बोरी से निकाल निकाल के। तो गाइस यार ये देखो 80 रुपए किलो ये टमाटर को बेच रहे थे जिसमें कि इतना बचा हुआ है। ये देखो पत्ता गोभी भी बचा है, 1 क्रेट है उसको लेके जा रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा बचा है कुछ ही, 2 कटोरा में थोड़ा थोड़ा सा, ये फूल है वो आधा से भी कम। और ये देखो इसमें बचा हुआ है बैंगन, थोड़ा सा भिंडी इसमें है और थोड़ा सा उसमें है बोरी में, और यहाँ पर रखा हुआ इसको तो खाने के लिए लिया है भाजी को भी इसमें। ये देखो आलू बचा हुआ है 1/2 क्रेट और प्याज भी बचा हुआ है यहाँ पर देखना। ये देखो प्याज थोड़ा सा ही है ये देख सकते हैं, और गाड़ी में यार 2 बोरी लेके आए थे जिसमें एक बोरी निकाले थे, तो 1 बोरी प्याज जो है भी यहाँ पर रखा हुआ है, और पत्ता गोभी और कुकराग जमा दिए हैं। परवल थोड़ा सा बचा है देखो, वो भी 1/2 क्रेट है, पूरा 1-1 बोरी लेके आए थे सबको, इसको 2 बोरा और आलू को 2 बोरा। तो फाइनली गाइस यार मार्केट से आने के बाद यार मैं नहा लिया हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था यार। और गाइस आज की मार्केट की बात करें तो यार आज का मार्केट जो है बहुत बढ़िया चला था, पूरा सब्जी अपना मैं बेच रहा था वो तो बिक गया था, छोटू के पास का सब्जी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है यार, उसको यार सवेरे टाइम बेचेंगे। और कल है यार जो शांतिपुर का बाजार रहते हैं वहाँ का तो नहीं जाते हैं, तो कल यार घर में रहेंगे और बचे खुचे सब्जी को यार सवेरे टाइम ही गाँव घूमकर बेच देंगे। तो यार सीधा परसों बताऊंगा अपना प्रॉफिट कितना हुआ है क्या हुआ उसको, तो यार सीधा मिलेंगे परसों। हेलो गाइस यार गुड मॉर्निंग, तो गाइस आज है यार बुधवार जो कि गाइस सोमवार के दिन का ब्लॉग जो है अभी एंड नहीं किया हूँ। और गाइस सोमवार के दिन की बाजार की बात करते यार बहुत ही बढ़िया बिका था अपना सब्जी जो है, और मैं बेच रहा था यार भाजी और कद्दू, बस 2 आइटम ही बेच रहा था यार, और मेरा भाजी और कद्दू तो पूरा बिक गया था, जो 2 आइटम बेच रहे थे वो वाला। और अपना भाजी यार 32 रुपए किलो का था और ना 20 किलो था, जिसको ना 100 पैकेट बनना था 200 ग्राम, लेकिन नहीं बना यार 90 पैकेट ही बना, मतलब ना 100 रुपए का नुकसान तो ऐसे पैकेट बनाने में हो गया यार। तो गाइस यार मेरे को मात्र 260 रुपए ही प्रॉफिट हो पाया भाजी में, और वो भी यार 30-40 रुपए 50 रुपए का पन्नी ही लग जाता है, तो ठीक ठाक रहा यार 200 रुपए मेरे को शुद्ध रूप से मतलब प्रॉफिट हुआ है समझो भाजी बेचकर। और गाइस अपना दोनों दुकान सही दुकान को मिला करके यार जो सब्जी लाए थे अपना टोटल सब्जी था 12,480 रुपए का था, जिसको हमने सेल किया था 14,420 रुपए का। तो गाइस यार अपना प्रॉफिट बनता है 1940 रुपए, जो कि यार बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ है 1940 रुपए का, और 12,480 रुपए का अपना सब्जी था यार, तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। और गाइस यार टमाटर वमाटर ना मात्र 2-4 किलो के 80 रुपए किलो में बेचे थे यार, उसके बाद ना 50-40 ही कर दिया था, जो बचा था थोड़ा थोड़ा उसको दिखाया था, और बाकी समय यार 50 रुपए किलो ही बेचे थे टमाटर को, तो टमाटर अपना बिक गया था मात्र 4 क्रेट लेकर गए थे। और गाइस यार इस समय के टमाटर में यार जितना महंगा टमाटर ले जाओ खराब निकलेगा ही निकलेगा, तो टमाटर में ना उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है टमाटर में, उल्टा अपना पैसा जो दूसरे सब्जी में कमाते हो अपना सब्जी का कमाई उसी में चला जाता है टमाटर में, इतना खराब निकल रहा है टमाटर जो है। तो चलो गाइस यार आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय श्री राम गाइस।